Assalamualaikum and welcome to Beanbox. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे. मैं आज आपको एक बड़ी एक्साइटिंग जगह पे लेके जा रही हूँ. परदेसी अपनी पिकनिक कैसे करते हैं ये दिखाऊंगी. पाकिस्तानी परदेसी कैसे यहाँ आके पार्क्स में जाते हैं और अपनी पिकनिक करते हैं. तो चले मेरे साथ, ये देखें, हम केल्सो पार्क आ गए. केल्सो पार्क बड़ा ही खूबसूरत पार्क है. मैं ख़ुद पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे. एक ऑर्गेनाइजेशन है होप के नाम से, इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था. तो हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई है. इन्होंने हमें बैंड्स दिए कि ये लगा लें और इसके बाद आप जहाँ भी फिरें आपको कहीं कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है. ये देखिए सारा की ड्रेसिंग है. ये हमारे देसी कैनिया वेस्ट, देखें जी, कैनिया वेस्ट का देसी वर्जन. चलो लेट्स स्टार्ट. यहाँ से प्लेट्स ले, नैपकिन्स भी ले लेना नीज़ एंड आई ऑलवेज टेक टू प्लेट्स. बीन बाजी का ब्लॉग बनेगा. थोड़ा सा हलवा डाल दे इसमें. हलवा जी जी, इसमें नो चने. हाँ बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हलवा पूरी का नाश्ता. चलें जी, हलवा पूरी, छने. जी सुबह के 10 बज रहे हैं, सब लोग यहाँ जमा हो गए. आई थिंक 10:30 हो रहे हैं. तो बस सबको भूख लगी हुई है और इन्होंने पूरी का नाश्ता खोल दिया. मज़ा आया. थोड़ी ठंडी थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मज़ा आया. और जी, चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा है. जैसे दुनिया में गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना बस चाय पे चलती हूँ, चाय से चलती हूँ. अच्छा, इस पिकनिक की एक ये अच्छी बात है कि जो टिकट्स हमने ख़रीदे हैं, एटलीस्ट हमें ये पता है कि ये सब चीज़ें डोनेशन में जा रही हैं. पाकिस्तान को जाती हैं, गरीब आवाम को जाती हैं. तो सदका जा रहा होता है, डोनेशन जाती है, तो एक दिल को सुकून रहता है कि चलें आप कुछ भी कर रहे हैं कोई अच्छे कॉज़ के लिए. बच्चों के लिए बड़ी प्यारी प्यारी इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, प्ले डो, वाटर गन्स, और बड़ी क्यूट बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे. और बच्चों ने तो इन्जॉय किया लेकिन उनकी माओ ने उससे भी ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि जब आपके बच्चे खुश होते हैं तो बस माओ का दिल भी खुश हो जाता है. बड़े फिशरमैन थे, देखो ऐसे लगता है पूरी दुनिया की फिशेज इन्होंने पकड़ी. Province of Ontario and the 16 Mile Cree Conservation Authority 1962. Yes.
Could you also be going? Yeah. Yeah, okay. थैंक यू. चलें जी, अब मैं आपको बोट पे लेके जाऊंगी अपने साथ. मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन आपके साथ हूँ तो हिम्मत आ जाएगी. तो चलें मेरे साथ. लेट्स गो, लेट्स गो. ओके, here we go. Yes. जी, ये एक डैम है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुई हैं. और इन्होंने हमें एक साथ विसल दी थी कि भाई अगर कहीं ज़्यादा दूर निकल जाओ, आगे निकल जाओ, तो वो विसल करोगे तो हम आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे. और ये भी बताया कि बोट पे आपने ज़्यादा हिलना नहीं, जिस जगह पे आप बैठ गए बस अब आप उधर ही बैठो, लाइक हिलना नहीं है. तो हिले तो फिर हो सकता है कि आप फ्लिप हो जाए आपकी बोट. तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और लाइफ जैकेट ये सब इन्होंने हमें दिया. ये जी मछली पकड़ ली अब्बास भाई. अब्बास कराची से मछलियां पकड़ने ही तो आया था. वेरी नाइस. आर यू प्राउड अब्बास? दूसरी पकड़ी आज ही. आज दूसरी पकड़ी है. जी, हम तो बोटिंग और फिशिंग करके आ रहे हैं. और जैसे आए हैं तो हमने देखा है कि यहाँ तो रोटी खुल गई है. जैसे शादियों में कहते हैं ना, रोटी खुल गई, तो रोटी खुल गई है. और हमें थोड़ी सी देर हो गई तो लोगों ने तो मतलब काफ़ी बिरयानी भी थोड़ी ख़त्म हो गई थी. और मतलब थोड़ा एंड का खाना पड़ा हुआ है और बस अब हमें जो भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन फिर भी ठीक मिल गया. बिरयानी मिली, कबाब मिले, पास्ता मिला. तो सबर शुक्र करके हमने ये खाया. थैंक यू. नीचे ग्रास पे रख के ये देखिए बिरयानी का लेवल. कोक शोक पी साथ थोड़ी जान बनाई. और इसके बाद इन्होंने एक कंपटीशन रखा है खरबूजा काटने का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. लग जाए ध्यान से. बिस्मिल्लाह. स्टार्ट. सारा गुस्सा निकाल दो अपना. ऊपर से हवा भी चलना शुरू. चलें जी, परदेसियों ने परदेसी तरबूज काटे और तरबूज परदेसी थे और हम भी परदेसी थे. वो भी कट गए और हम भी कटे हैं. मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आज बहुत मज़ा आया. है तो परदेस लेकिन मज़ा आया. एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी फील होती है कनाडा में. और इसके बाद बच्चों ने काइट्स उड़ाई, थोड़ा बसंती मेला मनाया. चलें जी, आज का व्लॉग इतना ही. ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा. बस यहाँ पे अब हम 5 बज के हम लोग निकलने लगे हैं. फिर मिलूंगी किसी और व्लॉग के साथ. अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. तो नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़.